भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्री बनाए जाने को लेकर कहा कि यह केंद्रीय नेतृत्व का काम है और भाजपा में किसी नेता को मंत्री बनाने के लिए मांग करने की परंपरा नहीं रही है। ग्वालियर पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के उस बयान से किनारा कर लिया है जिसमें उन्होंने अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता को मंत्री बनाने की मांग करने की परंपरा नहीं रही है। जहां तक प्रदेश के मंत्री राजपूत की मांग का सवाल है तो यह मांग केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच गई होगी, इससे ज्यादा वे कुछ नहीं कह सकते। गौरतलब है कि कांग्रेस छोड़कर और हाल ही में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का पद संभालने वाले गोविंद राजपूत ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी मंत्रिमंडल में स्थान देने की मांग की थी। शिवराज कैबिनेट में एक मंत्री हैं जो सिंधिया समर्थक हैं, गोविंद सिंह, उन्होंने ये मांग की है कि सिंधिया को जल्द से जल्द केंद्रीय मंत्री बनाया जाना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है गोविंद सिंह जी ने मांग की है तो वो बात हाईकमान तक पहुँचेगी। आपका क्या राय है सर? ये वैसे बीजेपी की परिपाटी नहीं रही, पार्टी नहीं है कि आप किसी का नाम उछाले। हमारे यहाँ ये परंपरा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने कोरोना वायरस को लेकर कहा कि यह आपदा की घड़ी है, इसने मानव जाति को दुनिया भर में नुकसान पहुंचाया है। भारत ने दुनिया के देशों को दवाई देकर सहयोग प्रदान किया है। केंद्र सरकार की वजह से इतनी बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना का असर कम हुआ है। पूरे आपदा में चार बातें मुझे सकारात्मक लगती है, और चूंकि मैं ग्वालियर में बात कर रहा हूँ तो हम सबकी समस्या यहाँ पर देखने के लिए ऐसी चीजें हैं कि जो देश में कम लोगों के पास होंगी, लेकिन अगर परसेप्शन बिगड़ता है तो लोग आते नहीं। ये बात हमने मैंने पिछली बार भी आपसे कही थी, और मैं हमेशा से मानता हूँ कि पर्यटन के लिए धन से ज़्यादा जरूरी है धारणा का बदलना। लोग अगर सुरक्षित महसूस करेंगे तो आएंगे, और इसलिए इस पूरी आपदा के दौरान जो चार बड़ी सफलताएँ हैं उसने देश के बारे में छवि को बहुत ऊँचाइयाँ दी हैं। उसमें पहली है कि प्रधानमंत्री जी के प्रति देश के लोगों की जो आस्था है, और उसके बाद दुनिया के देशों ने उनके प्रति जो सम्मान व्यक्त किया है, ये भारत के लिए बड़ा सकारात्मक कारण बनेगा पर्यटन के क्षेत्र में। दूसरी बात मुझे लगती है कि जो हमारी भारतीय जीवन शैली है, जिसके बारे में कई बार योजना के साथ मजाक उड़ाने की लोग गलती करते थे, हमारी तुलना किसी से नहीं हो सकती थी, लेकिन हमारी चीज़ों को कमतर बताने की कोशिश होती थी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।